वेलकम, हेलो और नमस्कार। आज हम बनाएंगे चॉकलेट डोनट केक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और फिर इसमें ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर। अब लेना है बेकिंग सोडा और फिर इसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसे सेव करना है और साथ ही माइक्रोवेव प्री हीट के लिए ऑन कर दें। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसे भी प्री हीट कर लें। अब मैंने इसे मिक्स करके सेव कर लिया है और फिर मैंने लिया है ये मोल्ड। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। इसे पहले ग्रीस कर देते हैं ऑयल से। इस मोल्ड में बनाने पर इसे डोनट की कटिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस मोल्ड में लेना है 1 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दें। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से। सबसे पहले ट्रे में ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें, फिर इसी की साइज की इसमें बटर पेपर रख दें, बटर से ग्रीस कर दें। इस तरह ये ट्रे रेडी हो जाता है और अब बनाते हैं केक बैटर। यहाँ लेना है सबसे पहले ऑयल, फिर इसमें ऐड करना है फ्रेश दही और ये शुगर पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर इसमें ऐड करना है मेल्टेड बटर। अब इसे भी एक बार मिक्स कर लें इसमें और फिर इसमें ऐड करना है ये ड्राई फ्लावर जिसे मैंने अभी सीव करके रखा था। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे मिक्स करना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और यमी केक रेसिपी है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस यमी डोनट केक रेसिपी को आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। अब इसमें ऐड करना है मिल्क। मिल्क भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इस रेसिपी का पूरा इंग्रेडिएंट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इसे बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। इस टाइप का बैटर रेडी करना है। अब इसमें ऐड करते हैं चॉकलेट एसेंस और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये किशमिश और ये काजू के पीसेस और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये बैटर रेडी है तो अब इसे इस मोल्ड में सेट कर देते हैं। इस मोल्ड को हल्का सा टैप करते हुए ये बैटर इसमें अच्छे से सेट करना है। बैटर मोल्ड में सेट हो जाने के बाद इसे अच्छे से एक बार फिर से टैप कर लें। इसे 35 मिनट के लिए अब मैं बेक कर लूँगी। आफ्टर 35 मिनट ये देखिए अब ये चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी है और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। और अब मैं बनाऊंगी चॉकलेट गनाश जिसका यूज हम करेंगे इस
करना जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आप करें इंतज़ार, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।